दिल्ली के चुनावी संग्राम में बस 3 दिन बचे हैं। भाजपा के हाथों से राज्य की 7 सीटें छीनने की कोशिश में जी जान से जुटी आम आदमी पार्टी ने पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से भाजपा उम्मीदवार गौतम गंभीर पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि गंभीर पूर्वी दिल्ली में उनकी प्रत्याशी आतिशी मार्लेना को बदनाम करने के लिए पर्चे बंटवा रहे हैं, जिसमें बेहद आपत्तिजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। आतिशी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के साथ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो मीडिया के सामने उस पर्चे को पढ़ते हुए रो पड़ी, जो उनके अनुसार उनके प्रतिद्वंदी गौतम गंभीर ने बंटवाए थे। आतिशी ने मीडिया के सामने जो पर्चा पढ़ा उस पर किसी पार्टी का स्टैंप या नाम नहीं है और ना ही किसी का कोई हस्ताक्षर, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये पर्चे गौतम गंभीर बंटवा रहे हैं। इस पर्चे में आतिशी को मिश्र नस्ल का बताया गया है, जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए कुत्ता केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए कंजर सिसोदिया शब्द का इस्तेमाल है। इस पर्चे में आतिशी के चरित्र पर भी उंगली उठाई गई है और उनके संबंध मनीष सिसोदिया के साथ जोड़े गए हैं। आतिशी ने कहा है कि गंभीर जब क्रिकेट छोड़कर राजनीति में आए थे तो उन्होंने गंभीर का स्वागत किया था, लेकिन अब भाजपा निचले स्तर पर पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए गंभीर पर निशाना साधा और कहा उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि गंभीर इतना नीचे गिर जाएंगे। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को वोट देकर कोई महिला अपनी हिफाजत की उम्मीद कैसे कर सकती है? आतिशी, आप मजबूती के साथ रहो, मैं समझ सकता हूँ कि आपके लिए यह कितना मुश्किल है। हमें इन्हीं ताकतों के खिलाफ लड़ना है। आपके तरफ से बिना सबूतों वाले आरोप पर गंभीर ने पलटवार किया और इसका ठीकरा अरविंद केजरीवाल पर फोड़ा। गंभीर ने ट्वीट पर इस पूरे कांड का आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगाते हुए ट्वीट किया, एक महिला के मान सम्मान को यूं अपमानित करने के आपके कृत्य की मैं निंदा करता हूं, वो भी अपने ही सहयोगी महिला के प्रति। चुनाव जीतने के लिए आप इस स्तर तक पहुंच गए। आपके दिमाग की गंदगी को आपके ही झाड़ू से साफ करने की जरूरत है। गंभीर ने एक दूसरे ट्वीट में केजरीवाल और आतिशी को चुनौती देते हुए कहा, मैं घोषित करता हूं कि अगर ये सिद्ध हो जाए कि ये मैंने किया है तो मैं अपनी उम्मीदवारी तुरंत वापस ले लूंगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या आप राजनीति छोड़ देंगे? वैसे चुनाव जीतने के लिए ये सब हथकंडे नए नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कहा है कि वो भाजपा को हराने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस से गठबंधन के लिए भी तैयार थे, लेकिन जब गठबंधन नहीं हो पाया तो कांग्रेस पर अपनी भड़ास निकालने लगे। पूर्वी दिल्ली में मुकाबला त्रिकोणीय है। आप उम्मीदवार आतिशी, भाजपा उम्मीदवार गंभीर के अलावा कांग्रेस ने अरविंदर सिंह लवली को मैदान में उतारा है। बड़ा सवाल यह है कि जब उस पर्चे पर किसी भी पार्टी या नेता का नाम नहीं लिखा तो अरविंद केजरीवाल कैसे इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये काम भाजपा और गौतम गंभीर का है? केजरीवाल के लिए आरोपों की राजनीति नई नहीं है, इसमें उनको महारत हासिल है और इसी महारत के दम पर उन्होंने दिल्ली की सियासत में अपनी पैठ बनाई और सत्ता के शिखर तक पहुंचे। भले ही उन्हें बाद में उन आरोपों के लिए कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी हो,